नागिन का मिनी मिनी गाड़ी। नागिन अपने बच्चों के साथ जंगल में रह रही थी। माँ, हम कहीं घूम के आते हैं। नागिन अपने बच्चों के साथ गांव जा रही थी, तभी उन्हें छोटे छोटे लोग दिखे। नागिन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ? यहाँ के लोग इतने छोटे दिख रहे हैं। तभी दो लोग अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। गाड़ी को देखकर मोहन और संगीता खुश हो जाते हैं। माँ, हमें एक गाड़ी चाहिए। ठीक है, अभी ला के देती हूँ। नागिन गाड़ी के आगे आ जाती है। इतनी बड़ी नागिन को देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मोहन और संगीता गाड़ी में बैठकर खुश हो जाते हैं। हु, कितना मजा आ रहा है। संगीता, तुम्हें कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर नागिन खुश हो जाती है। इधर श्यामू और मदन सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी नागिन घुस गई है। ये बात सुनकर सरपंच खुश हो जाता है। तुम दोनों नीला दानव के पास जाओ, उसे एक काला पत्थर दिखा देना। श्यामू और मदन नीला दानव के पास जाते हैं। हमें सरपंच ने भेजा है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? श्यामू नीला दानव को काला पत्थर दिखा देता है। काला पत्थर देखते ही नीला दानव बहुत बड़ा हो जाता है। नीला दानव सरपंच के पास जाता है। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? नागिन गांव में घुस गई है, कैसे करके उस नागिन को बंदी बना लो। यह सुनते ही नीला दानव नागिन के पास जाता है। देखता है नागिन के बच्चे गाड़ी लेकर खेल रहे हैं। नीला दानव दोनों को ऊपर उठा लेता है। तुम्हारी माँ किधर है? तभी नागिन आ जाती है। ये दानव, मैं यहां हूं। नागिन दानव को कैद कर लेती है। मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। नीला दानव दोनों को छोड़ देता है। तू इतना ताकतवर नहीं जो मुझे मारेगा। तेरी भलाई है, तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। नागिन के डर से नीला दानव वहां से चला जाता है। नागिन अपने बच्चों को लेकर जंगल चली जाती है।